हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा गैलरी। मैं हूँ श्रद्धा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आलू को अच्छे से वॉश करना है और एक कटोरी फूलगोभी लिया है, उसको भी अच्छे से वॉश कर लीजिए। और देखिए, अब मटर का सीजन है तो मटर की क्वांटिटी मैंने यहाँ ज़्यादा लिया है, यानी एक कटोरी है मटर। मटर ज़्यादा ही लेना है हमको, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा, मैंने आधा चम्मच से कम नमक ऐड किया है। जैसे नॉर्मल दाल चावल बनाते हैं वैसा ही कुकर लगाना है। एक दो सीटी ज़्यादा लगाई हूँ मैंने, बहुत अच्छी तरह से सारी सब्जियाँ पक जाती है। इसको हम छान लेंगे। अब चलिए बहुत ही बढ़िया सा ज़बरदस्त तड़का लगाते हैं। अब देखिए, एक पैन में बहुत कम ऑयल डालना है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई डालेंगे और बहुत ही बारीक बारीक काट कर, मैंने यहाँ पर ना आधा ही प्याज डाला है, आप पूरा डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बारीक काट कर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है। ब्राउन हो गया है, अब देखिए बहुत अच्छा स्वाद के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इससे क्या है स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। ये हो गया है। चलिए अब जो सब्जियां है सारी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो चलिए इस तरह से सारी सब्जियां हम इसमें डालेंगे, आलू, फूलगोभी और मटर। मटर का स्वाद इस रेसिपी में बहुत ही अमेजिंग सा आया है फ्रेंड्स। तो देखिए सब कुछ डाल दिया है, अब कुछ यहाँ पर हम पाउडर मसाले डालेंगे, इससे क्या होगा ये जो स्टफिंग बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। थोड़ी सी हल्दी डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। नमक डालना भूल गई थी, अब डाल दिया मैंने। चलिए अच्छे से पका दिया मैंने, हरा धनिया डालेंगे। अब बस ये हो गया है, इसको ना पूरा अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। अब ये थोड़ा आपको ऐसा गीला लग रहा है, पर जैसा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बनाते हैं भाई तीनों सब्जियों की स्टफिंग मिलाकर बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस एंड वेरी वेरी टेस्टी पराठे। देखिए आलू के पराठे तो कई बार आपने बनाए होंगे, इस बार ना ये तरीका अपनाकर इस तरह से पराठे बनाकर देखिए। जो इसमें फूलगोभी और मटर का जो फ्लेवर आया है इतना मस्त आया है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलिए अभी फटाफट से पराठे रेडी कर लेते हैं।